अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बात करेंगे फेसबुक पोक की कि आखिर ये ऑप्शन फेसबुक वालों ने दिया क्यों है। इससे पहले तो आप सबने मतलब यही सुना होगा कि अगर आपकी आईडी के कमेंट्स और लाइक वगैरह ब्लॉक हैं तो अपनी आईडी आप पोक करवा लें, तो मतलब अपने फ्रेंड्स वगैरह से पोक करवाएं, तो उसके बाद ये जो भी मतलब ब्लॉकिंग है आपकी आईडी में, जो मसले मसाइल आ रहे हैं वो सेट हो जाते हैं, आईडी रिफ्रेश हो जाती है अक्सर बंदों से, तो मैंने ये भी सुना है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जिस तरह आप मतलब किसी को अपने फ्रेंड वगैरह को हेलो हाय मैसेज भेजते हैं, ये भी सिंपल एक मैसेज ही है कि मतलब आप उससे फलां बंदे से बात करना चाह रहे हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो अब नेक्स्ट मैं आपको मतलब बताने वाला हूँ कि फेसबुक वालों ने अब इस ऑप्शन को कहाँ मतलब, पहले तो काफ़ी सेटिंग्स में अंदर जाके ढूंढना पड़ता था इसे, लेकिन अब ये बिल्कुल फ्रंट पे करती है। अब वो तरीका मैं आपको बता दूंगा कि मतलब किस तरह आप अपने फ्रेंड्स को पोक कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, ताकि जो भी मतलब मेरी न्यू वीडियोज़ हैं वो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। तो चलें चलते हैं फेसबुक की तरफ। अब इसमें मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल आपको ये ऊपर सर्च जो दिख रहा है इस पर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर POKE सिंपल आपने पोक सर्च करना है। तो ये टॉप पर आपको पोक्स का जो मतलब ऑप्शन आ रहा है, बस ये है पोक, इस पर आप क्लिक कर दें। तो इसमें जितने आपके फ्रेंड्स हैं वो सब आ जाएंगे, इन फ्रेंड्स को आप पोक कर सकते हैं। और पहले तो ये होता था कि मतलब आप जो मतलब आपकी फ्रेंड लिस्ट में नहीं है बंदे उनको भी आप पोक कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जस्ट जो आपके फ्रेंड लिस्ट में हैं बंदे आप उन्हीं को पोक कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अपना ख्याल रखिएगा।